नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इन नजर डालेंगे आज के ताजा तरीन खबरों पर। गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिल्किस बानो, आदेश पर दोबारा विचार की मांग। श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में थे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। दो बार फ्लैट में गई आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड ने किया खुलासा। भारत के साथ हमारे रिश्तों पर ना दे दखल, सीमा विवाद पर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी। खड़गे के रावण वाले बयान पर भारी घमासान, राजनाथ बोले प्रधानमंत्री को गाली देने वाले को माफी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद के बहरामपुरा में एक जनसभा में पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। खड़गे के इस बयान पर भारी घमासान हो रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनावों के बीच केंद्र ने सामने रखा मास्टर प्लान 2041, अवैध कॉलोनियों की कायाकल्प और पक्के मकानों की बात की। शिवपाल यादव पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी, सुरक्षा में कटौती, रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के बाद सरकारी आवास पर संकट। दिल्ली शराब घोटाले में एक और गिरफ्तार, ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा को पकड़ा। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में दिखा था। पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अमित अरोड़ा के ठिकानों पर रेड भी मारी थी। अफगानिस्तान के युवक में नमाज के बाद मदरसे में बम ब्लास्ट, 15 की मौत और 27 घायल। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, तेज तर्रार अधिकारी को किया शामिल। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया। भारत ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया, 4-3 से दर्ज की शानदार जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के तीसरे हॉकी मैच से 4-3 से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही सीरीज में शानदार वापसी की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका, नहीं मिले जमानत। रेसलिंग कोच राज सिंह को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के दौरान रेसलिंग कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। उन्होंने अन्य खेलों के कोचों को भी अवार्ड दिया। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार, 293 पासपोर्ट बरामद। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ और मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 चाइनीज ग्रेनेड और 2 एके राइफल बरामद। मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले कमेंट पर विज का जबरदस्त पलटवार, बोले कांग्रेस ने मन में छिपा कर रखा है रावण। नहीं रहे चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग ज़ेमिन, 96 साल की उम्र में हुआ निधन। जंग में पुतिन को भारी नुकसान, रूसी सेना के करीब 160 से ज्यादा कर्नल और जनरल मारे गए। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वो देखते रहिए न्यूज 21।